नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी सन 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। आखिर नाथूराम गोडसे ने बापू की हत्या क्यों की? क्योंकि नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी को देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार मानते थे। नाथूराम गोडसे देश के बंटवारे के कारण मानसिक रूप से पूरी तरह से हिल चुके थे। उनको यह स्वीकार नहीं था कि अखंड भारत का लगभग एक तिहाई हिस्सा विदेश बन जाए। वो चाहते थे सिंधु नदी भारतीय तिरंगे झंडे के नीचे बहे, न कि किसी और झंडे के नीचे। वो धर्म के नाम पर एक अलग मुल्क के बनना पसंद नहीं करते थे। उनका कहना था, उनका मानना था कि यह देश का बंटवारा गांधी जी के सहमति से हुआ है, इसीलिए गांधी जी देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार हैं। देश के बंटवारे के बाद सांप्रदायिक हिंसा सबसे ज्यादा पाकिस्तान में। पाकिस्तान में मुसलमानों के द्वारा लाखों हिंदुओं की बर्बर हत्या की गई, उनके ऊपर घोर अत्याचार किया गया। लाखों हिंदुओं को पलायन होने के लिए मजबूर किया गया, उनकी बड़ी दुर्दशा की गई, ऐसे ऐसे अत्याचार किए गए जहां पर जिसका वर्णन करना मैं बेहतर नहीं समझता। लेकिन उन सबके खिलाफ महात्मा गांधी एक शब्द ना बोले, और ना ही उन्होंने कोई इसके खिलाफ काम किया, ना ही उन्होंने पाकिस्तान सरकार पर कोई दबाव बनाया कि वे ऐसा ना करने दें। कुछ नहीं किया। और तो और पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया। इस वजह से भी नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी से बेहद नाराज थे। उनकी नाराजगी इस बात से और बढ़ जाती है जब महात्मा गांधी मुस्लिम तुष्टिकरण करते हैं। पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थियों ने दिल्ली के कुछ मस्जिदों में शरण लिया था। सर्दी के दिन थे, बारिश का मौसम था, लेकिन गांधी जी ने उनको मस्जिदें खाली करने के लिए करवाया और मस्जिदों को मुसलमानों को लौटाने के लिए कहा। उस कपाती ठंड में, बारिश के मौसम में वो शरणार्थी हिंदू मस्जिद खाली करके बाहर आ गए, जबकि उनके सुरक्षा के लिए किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं किया गया। उनमें से कुछ गांधी जी के निवास स्थान बिरला हाउस के साथ, उन्होंने वहां पर नारे लगाए, गांधी जी हमें स्थान दे। लेकिन गांधी जी की तरफ से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं। इसे नाथूराम गोडसे गांधी जी के द्वारा किया गया मुस्लिम तुष्टिकरण मान गए। मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए वो कुछ और उदाहरण देते हैं, जैसे कि गणेश शंकर विद्यार्थी की हत्या कुछ मुसलमानों ने की, लेकिन उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध में गांधी जी ना कुछ बोले ना कुछ। ठीक इसी तरह हैदराबाद में हैदराबाद के निजाम के रजाकारों के द्वारा, उनके सैनिकों के द्वारा हिंदुओं पर घोर अत्याचार किए, उनकी हत्या की गई, ऐसे ऐसे उनके साथ अपराध किया गया,
जिसका जिक्र यहां करना उचित नहीं मानते हो। लेकिन गांधी जी उसके खिलाफ ना कुछ बोले और ना कुछ किए। ऐसे ही और भी कई उदाहरण थे जिनसे नाथुराम विनायक बोस से जब मानते थे कि महात्मा गांधी मुस्लिम तुष्टिकरण करते हैं, इसलिए वो और ज्यादा नाराज थे महात्मा गांधी। नाथुराम बोस से यह भी मानते थे कि महात्मा गांधी के जीते जी हैदराबाद का भारत में विलय संभव नहीं था, जबकि हैदराबाद का भारत में विलय कराना अति आवश्यक था। हैदराबाद का भारत में विलय कराने के लिए उस पर सैनिक कार्रवाई जरूरी थी, लेकिन गांधी जी जीते जी ऐसा कतई नहीं कर रहे। वो हिंदू मुस्लिम एकता की दुहाई देकर के भारत सरकार पर दबाव बनाते कि वे हैदराबाद पर सैनिक कार्रवाई न करें। और भी कई कारण हैं जिससे नाथुराम गोडसे महात्मा गांधी से काफी खफा थे, नाराज थे, और अब उन्होंने मन बना लिया था उनकी हत्या करने का। इसलिए उन्होंने 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में प्रार्थना सभा स्थल पर महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। कोर्ट में उन्होंने जज के सामने बयान दिया नाथुराम गोडसे ने, चूंकि ऐसी कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं थी जिसके द्वारा उस अपराधी को सजा दिलाई जा सके, इसलिए मैंने इस घातक रास्ते का अनुसरण किया। मैंने यह भी अनुभव किया कि गांधी जी के बिना भारत की राजनीति अधिक व्यवहारिक होगी तथा सेना अधिक बलशाली होगी, इसलिए मैंने बापू को मारा। इस कृत्य के लिए नाथुराम गोडसे को 15 नवंबर 1949 को फांसी दे दी गई।